क्या आप भी बहुत जल्दी विश्वास करके लोगों को पैसे उधार दे देते हैं, या फिर आपने अपने दोस्तों की फर्जी स्कीमों पे पैसे लगा रखे हैं, या फिर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है जो आपको रिटर्न्स नहीं दे पा रही और आपका काफी सारा पैसा फंसा हुआ है। अगर ये आप सबके साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ सुनामी कुमार और मैं हुई हीलिंग कोच और लाइटेरियन, और मैं लेकर आई हूँ ये सीरीज स्विच वर्ड्स पे। तो आज की वीडियो में हम पता करने वाले हैं कि कैसे हम स्विच वर्ड्स यूज करके मनी रिकवरी कर सकते हैं, कैसे हम फंसे हुए पैसे को वापस ला सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में आपने देखा कि मैं आपको 1, 2, 3, 4 स्विच वर्ड्स आपको अलग अलग बताती हूँ आपकी डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, बट इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 स्विच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। 9 ऐसे स्विच वर्ड जो आप साथ में यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही पावरफुल है और आपकी मनी रिकवरी में बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। तो हम इसे स्विच वर्ड नहीं, हम इसे स्विच फ्रेज बोलेंगे। तो आज की स्विच फ्रेज है गोल्डन सनराइज वॉलनट टुगेदर ब्रिंग फुल काम श्रीम इज नाउ। तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही बड़ी स्विच फ्रेज है, तो मैं इसे टुकड़ों टुकड़ों में आपको समझाऊंगी। तो पहला स्विच वर्ड है गोल्डन सनराइज। तो गोल्डन सनराइज की एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है और आपको आगे बढ़ने में और आपकी सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है, परेशानी है, उन सबको दूर करती है। क्योंकि गोल्डन लाइट बेसिकली ये वो लाइट है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है, एक ऐसी लॉ जो सबके अंदर होती है और वो आपको एक अच्छे पाथ पे लेके जा सकती है और सब कुछ ठीक कर सकती है। और सनराइज मतलब एक नए सूरज, एक नए सूर्य उदय हो रहा है और एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, और नए दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छे इंटेंशन और एक पॉजिटिव माइंडसेट से होती है। तो टुगेदर गोल्डन सनराइज मींस कि बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है और सारी चीजें एक साथ काम करेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। सेकेंड स्विच वर्ड है वॉलनट। तो वॉलनट ऐसा स्विच वर्ड है जो ना कि हैबिट ब्रेक करता है जिसने पैसे दिए हैं, क्योंकि उसको शायद पैसे देने की आदत होगी या फिर उसको आदत होगी कि उसके पैसे अटक जाते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स को तोड़ने का काम आता है वॉलनट। वॉलनट उस काम भी आता है कि अगर आपने सामने वाली पार्टी को पैसे दिए और क्या पता सामने वाली पार्टी को पैसे लेके रखने की आदत हो, उसे पैसे वापस नहीं करना पसंद, या फिर वो लालची हो या फिर वो ढीट हो, तो ऐसे पैटर्न्स भी आप वॉलनट के साथ ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड स्विच वर्ड है यहाँ पे टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है कंबाइन, आपस में मिलना। सो टुगेदर यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अपने गोल के साथ मिलना चाहते हैं, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं और आप चाहते हैं आपको पैसे मिल सके, तो यू आर अलाइनिंग योर ब्रेन अपने गोल के साथ, दैट्स वाई टुगेदर यहाँ पे यूज किया है हमने। फोर्थ स्विच वर्ड ब्रिंग बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन स्विच वर्ड है। ब्रिंग का मतलब है कि आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं और यू आर ब्रिंगिंग योर गोल टूवर्ड्स यू, तो आप बहुत ही जल्दी आगे जाते जा रहे हैं और आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो सब आपको वापस मिल सकता है, इसलिए हम ब्रिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है फुल। तो जैसे कि आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं बट आप चाहते हैं कि आपका गोल पूरा हो, दैट्स वाई आप यहाँ फुल का इस्तेमाल करते हैं। फुल मतलब कि किसी चीज की कंप्लीशन, किसी चीज की प्राप्ति, कोई चीज कंप्लीट हो गई है, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे आपको पैसे मिलेंगे, आपको पूरे पैसे चाहिए, तो आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे फुल यूज हुआ है। देन द स्विच वर्ड इज काउंट। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही समझाया है कि काउंट स्विच वर्ड ब्रेन पे कैसे वर्क करता है। काउंट स्विच वर्ड बेसिकली ब्रेन को एक्टिवेट करता है ताकि पैसे आप आते रहे और आप उसे गिनते रहिए, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है कि जैसे ही पैसे आते हैं आप उसे गिनना स्टार्ट करते हैं कि कितने पैसे हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, मैं कहाँ खर्च कर सकता हूँ। तो आप ब्रेन को एक हैबिट या फिर एक आदत डलवा रहे हैं कि पैसे आते रहेंगे और मेरा ब्रेन इसे काउंट करता रहेगा। नेक्स्ट स्विच वर्ड श्रीम। तो श्रीम बहुत ही पावरफुल लक्ष्मी मंत्र है हिंदू कल्चर में। तो इसका जाप इसलिए किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी माँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे और आपकी खूब तरक्की हो, आपका खूब पैसे आए। नेक्स्ट स्विच वर्ड है ईज। सो ईज बेसिकली आपकी दिक्कतें ईज सॉल्व करने के लिए है, आपका प्रोसेस बहुत ईजी करने के लिए है कि आपको ज्यादा परेशानियां ना हो और आप अपने गोल तक यानी आपका पैसा आपको वापस मिल सके। ईज का इस्तेमाल हम एक और वजह से करते हैं। सपोज आपने अपने दोस्त को पैसे दिए हैं और वो आपको पैसे वापस नहीं दे रहा, बट ईज के थ्रू आप अपने रिलेशनशिप मतलब जो आपके बीच का जो संबंध है आप उसे ठीक कर सकते हैं। जब एक बार संबंध या रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा तो आपके दोस्त को लगेगा कि हाँ मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, तो आपके पैसे और जल्दी मिल सकते हैं आपको। तो लास्ट स्विच वर्ड है यहाँ पे नाउ। नाउ बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि अगर आप
का प्रोसेस डिले हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि पैसे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, तो नाउ बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है प्रोसेस को बहुत ईजिली और बहुत तुरंत में करने का। तो मिलकर ये स्विच वर्ड बनता है, अब या फिर आप कह सकते हैं ये स्विच फ्रेज बनता है, गोल्डन सनराइज फॉल लेट टुगेदर ब्रिंग फुल काउंट स्ट्रीम इज नाउ। तो ये स्विच फ्रेज यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इसे चैंट करें अपने माइंड में और अपनी इंटेंशन इस स्विच फ्रेज पर रखिए, इस इंटेंशन अपनी मनी रिकवरी प्रोसेस पर रखिए कि आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ रहा है या फिर वो आ चुका है। तो आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी अपना प्रोसेस स्मूथ करने के लिए और जल्दी करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये था, ये एक स्विच फ्रेज का एक एग्जांपल है मनी रिकवरी के लिए, बट आपकी कोई और समस्या है, आपका कोई ऐसा बहुत गंभीर समस्या में या फिर किसी भी एरिया में, हेल्थ वाइज है, मनी वाइज है, रिलेशनशिप वाइज है, आपको कोई भी स्पेसिफिक स्विच वर्ड चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए या फिर हमारी वेबसाइट पे जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप पा सकते हैं एक बहुत ही पर्सनलाइज और बहुत ही स्पेसिफिक स्विच वर्ड जो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। थैंक यू सो मच एंड गोल्डन सनराइज।